हिमाचल के अफसरों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां मिल गई है। सरकार की ओर से हिमाचल परिवहन विभाग को 11 इलेक्ट्रिक गाड़ियों का तोहफा दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रिज मैदान पर 11 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये गाड़ियां सिंगल चार्ज पर 400 किलोमीटर तक चलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर कहा कि हम हिमाचल को 2025 तक ग्रीन राज्य बनाएंगे। परिवहन विभाग देश का पहला ऐसा विभाग बना है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य विभागों को भी हम इसी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां देंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इस मुहिम को जारी रखा जाएगा और शिमला शहर में चलने वाली सभी बसों को इलेक्ट्रिक बसों में कन्वर्ट किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद हमने नीतिगत फैसला किया कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत सुंदर प्रदेश है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, लेकिन पोल्यूशन की समस्या बढ़ती जा रही है, गर्मी काफी हो जाती है। इस दृष्टिकोण से जब हमने स्टडी किया तो कहा, देखा कि डीजल के कारण बहुत पोल्यूशन हमारे शहर में फैल रहा है और हमने एक नीतिगत फैसला किया कि हिमाचल प्रदेश को 2025 तक हिंदुस्तान का पहला ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे खुशी ये इस बात की है कि आज हिमाचल प्रदेश का परिवहन विभाग हिंदुस्तान का पहला ग्रीन परिवहन विभाग हो गया है। तकरीबन 18-19 के करीब आरटीओ है, उन सबको हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल दे दी है। जो और विभाग के अधिकारी है उन सबको भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल दे दी है और जल्दी ही इस योजना को देखा जाएगा कि पायलट प्रोजेक्ट के एक महीने में इसका क्या इम्पैक्ट रहा। उसके बाद और विभागों को भी, जो भी सरकारी विभाग है, एक साल के भीतर अगर इसका रिजल्ट अच्छा रहा हम पूरा इलेक्ट्रिकल कर देंगे। ये मैं हिमाचल की जनता को आश्वासन दे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी आ रही है। अनएम्प्लॉयड यूथ को कैसे और जो हमारे टैक्सी चालक को कैसे इस संदर्भ में लाया जाएगा, जो हमारे पर्यटक स्थल है उस दृष्टिकोण से भी लाया जाएगा। पहला मेरा प्रयास ये है कि पहले इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाए और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी टारगेट है कि हम 15 मार्च तक हम लैंड आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे और जल्दी भारत सरकार की कंपनी है जो 100 स्थान पर इस प्रकार का एग्रीमेंट करती है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं पूरे। उसके अलावा हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 700 हमारे जो सरकारी इमारतें उसमें चार्जिंग स्टेशन लगाने की हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली है। पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज हम जब इसको पूरा चार्जिंग स्टेशन बन जाएंगे तो जब हम सरकार की तरफ से इंसेंटिव्स देंगे तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हिमाचल की जनता भी इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी में मूव करेगी। उस दृष्टि से पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि ये गाड़ी चली और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना हो, शिमला वापिस आए। तो हमें स्थान चयनित कर रहे हैं 25-25 किलोमीटर के बाद, उसके साथ हम टूरिज्म डिपार्टमेंट हाई फूड क्वालिटी के जो बना रहा है उसमें भी स्थान चिन्हित कर रहा है। आप बजट में हमारा पूरा दृष्टिकोण भी देखेंगे। वहीं हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस अवसर पर कहा कि हम जल्द 300 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलेंगे। वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शुरू करके हमने क्रांतिकारी कदम उठाया है। वहीं ग्रीन हिमाचल बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश, सुंदर प्रदेश और उसके ऐतिहासिक रिज मैदान, यहां पे हमेशा ही इतिहास लिखे जाते हैं। और कुछ दिन पहले यहीं पे सत्ता परिवर्तन हुआ और शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और उसी रिज मैदान पे एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम हिमाचल प्रदेश में उठाया गया है और ये देश के लिए अनूठा है। पूरे देश में करोड़ों गाड़ियां चल रही हैं, प्रदेश में लगभग 21 लाख के आसपास गाड़ियां चल रही है, लेकिन आज परिवहन विभाग ने कहते हैं कि नागरिकता घर से आरंभ होती है।
कि अगर किसी पे कोई सोच जो है उसको प्रभावित करना है तो सबसे पहले खुद को जो है सुधारना पड़ता है। तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं जिन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रिक करने के लिए राशि मुहैया करवाई, पैसा मुहैया करवाया और रिकॉर्ड टाइम में हमारे सेक्रेटरी और डायरेक्टर साहब ने मिलकर जो हमारे पास 19 गाड़ियां हैं ट्रांसपोर्ट की सबसे पहल करते हुए और ग्रीन मोबिलिटी का ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और सारी गाड़ियां यहां पे आई हैं। आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण को स्वच्छ सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में ये एक बहुत बड़ी पहल है और व्यवस्था परिवर्तन की तरफ भी बहुत बड़ी पहल है।